हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे ढक्कन डब्बा रोटी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ढक्कन डब्बा रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आधा केजी अरवा चावल। हम अरवा चावल पानी में डाल के एक दिन रख दिए थे फूलने के लिए। इसके बाद हम चावल को पानी से निकाल लिए हैं और सुखा लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसे पीस लेंगे मिक्सी जार में डाल के। हम चावल पीस लिए हैं, आप देख सकते हैं चावल का पाउडर बन चुका है। अब हम इसे चलनी में डाल के छान लेंगे। चावल का आटा बना लिए हैं, अब हम बनाएंगे घोल। घोल बनाने के लिए हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे। हम इसमें डालेंगे चावल का आटा और गर्म पानी। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप गर्म पानी डाल के ही घोल बनाएं तभी अच्छा बनेगा, नहीं तो ढक्कन डब्बा रोटी फूला फूला नहीं बनेगा और खाने में ठीक नहीं लगेगा। इसलिए आप जब भी घोल बनाएं तो गर्म पानी से ही बनाएं। हम घोल बना लिए, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, इतना ही आपको भी रखना है। अब हम घोल डब्बू से ले लेंगे और हम इसे मिट्टी का बर्तन में डाल देंगे। हम मिट्टी का बर्तन पहले ही चढ़ा के रख लिए थे। मिट्टी का बर्तन अच्छे से गर्म हो चुका है तभी हम इसमें डाले हैं। डालने के बाद हम इसे तुरंत ढक देंगे और थोड़ा देर हम इसे ढक के रखेंगे। लगभग 3-4 मिनट हम इसे ढक के रखेंगे। अब हम ढक्कन हटा लेंगे और हम इसे करछुल की मदद से निकाल लेंगे। ये देखिए, ये बन चुका है, अब हम इसे निकाल के रख देंगे। ऐसे ही हम सारा बना लिए हैं, आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बना है। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, आप ये किसी सब्जी के साथ खा सकते हैं। अब हम आपको एक तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए ये कितना अच्छा बना है, एकदम सॉफ्ट बना है। आप भी बनाएं ढक्कन डब्बा रोटी और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल मेड विथ लव।